जय जिनेंद्र, आज हम बना रहे हैं कोकोनट शेक। दो नारियल लिए हैं, उसका अपन ने पानी निकाला है व मलाई ली है। चलिए बनाते हैं। कोकोनट निकालने के बाद इसका आप ये थोड़ा सा पीछे का पोर्शन निकाल लीजिए इस तरह से, और इस प्रकार से सभी को तैयार कर लीजिए पीसेस करके। और शेक में अपने को एक ग्लास कोकोनट वाटर, टू टेबल स्पून शुगर और एक नारियल की मलाई के पीसेस। अपने को इसको चलाना है मिक्सर ग्राइंडर में करीबन 2 मिनट के लिए। ग्लास को प्रिपेयर करने के लिए अपन थोड़ा सा इसमें कोकोनट वाटर डालेंगे। ग्लास को इस तरह से इसमें डिप करेंगे, या तो आप बूरा ले लीजिए या आप फिर पीसी हुई शक्कर ले लीजिए और उसके अंदर आप इस प्रकार से रखिए। इस तरह से अपनी ग्लास डेकोरेट हो जाएगी सर्विंग के लिए। ब्रश तैयार है, इसकी आप एक कंसिस्टेंसी देखिए। ये इंदौर का फेमस है, अगर आप इसमें आइस डालना चाहे डालें, ना डालना चाहे ना डालें। अच्छा, दूसरा, आपको इसको छानना है तो आप छान के भी सर्व कर सकते हैं और विदाउट छाने भी सर्व कर सकते हैं। इसी जार में अब अपन कोकोनट शेक बना लेंगे। उसके लिए अपने को एक ग्लास दूध चाहिए, एक नारियल की मलाई, दो टेबल स्पून शुगर। इसे ग्राइंड करके छान के अपन सब बन के तैयार है। अपन को स्मूथ कंसिस्टेंसी चाहिए तो अपन इसे छानेंगे। छानने के बाद एक बार अपन इसको फिर से ग्राइंड करेंगे। पहले अपन ने एक ग्लास दूध का उपयोग किया था, अपन अब हाफ ग्लास का और उपयोग कर रहे हैं। हमने कोकोनट क्रश और मिल्क शेक दोनों तैयार कर लिया है। मिल्क शेक में अपन थोड़ा सा केसर के वो डालेंगे, धागे 2-3, पिंच इलायची पाउडर, अपन क्रश में ऊपर से थोड़े से नारियल के पीसेस डालेंगे। तैयार है कोकोनट शेक व कोकोनट क्रश।